नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनका सवाल था कि आगे पॉलिटिक्स कैसी रहेगी, पॉलिटिक्स में है ये तो आगे के जीवन में कैसी सुख संपन्नता रहेगी, तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आगे जीवन में इनका कैसा रहेगा और तो किस प्रकार की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ेगा और जीवन में आगे नेम फेम रेस्पेक्ट इज्जत प्रॉस्पेरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ आपके हाथ में देखने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखिए आपके हाथ में, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आपके शुक्र पद पर सीधी खड़ी रेखा है और ये यहाँ नहीं यहाँ पर है, तो मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बहुत फ़ायदा मिलेगा और शुक्र देव की असीम कृपा आपको जीवन में देखने को मिलेगी। आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को अर्जित करने में सक्षम रहेंगे। और कोई बिजनेस करना चाहे, आपने पूछा बिजनेस कौन सा करूँ, देखिए आपके हाथ में हर तरह का बिजनेस चल जाएगा, बट मेनली जो लग्जरियस बिजनेस होंगे, जो महंगी चीज़ों के बिजनेस होते हैं, जैसे कि ब्रांडेड कपड़े हो गए, ब्रांडेड परफ्यूम्स हो गए, जो महंगी चीज़ें होती हैं, जो व्यक्ति सुख सुविधाओं के लिए खरीदता है, लग्जरियस के लिए खरीदता है, अगर वो सारा सामान खरीदते हैं तो आपको लाभ 100% मिलने वाला रहेगा। आपको इस तरह के कार्य करके बड़ा लाभ अपने जीवन में मिलेगा, तो इस तरह के कार्य भी आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको इस तरह के कार्य, लग्जरियस कार्य करने में, इस तरह के बिजनेस करने में नहीं आने वाली रहेगी। बाकी आप जिस व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह की आदतें आप जिस व्यक्ति के अंदर देखी जाती हैं, जीवन में लग्जरीज की कोई कमी नहीं रहने वाली रहेगी। लग्जरीज का भरपूर आनंद उठा के जीवन बहुत आगे बढ़ने वाले आप रहेंगे। अगर मंगल पर आ जाए, देखिए मंगल पर 2 से 3 मंगल रेखा मौजूद है, जब मंगल पर इतनी सुंदर मंगल रेखा मौजूद होती है तो ये सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी डीलिंग में मुनाफा दिलवाने वाली रहेगी। आप वो व्यक्ति के प्रॉपर्टी डीलिंग करके बड़ा लाभ मान सम्मान कमाने में सक्षम है, तो जीवन में हमेशा आपको प्रॉपर्टी डीलिंग करके फायदा मिलेगा। कैसे भी किसी प्रकार रियल इस्टेट का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं। बाकी खेती करके बड़ा लाभ मिलेगा आपको, और जो आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ावे में अच्छी रहेगी, शरीर बुढ़ापे के अंदर पूरा साथ देने वाला रहेगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको शरीर के रिगार्डिंग, फिजिकल एनर्जी के रिगार्डिंग नहीं आने वाली रहेगी। यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपके हाथ में जो आपके गुरुदेव बृहस्पति हैं, गुरुदेव बृहस्पति 6 अवस्था में यहाँ पर एक रेखा आड़ी रेखा जा रही है, तो कहीं ना कहीं समाज सेवक आपको बना रही है। जितना समाज सेवा करेंगे उतना आपको लाभ मिलने वाला रहेगा, समाज सेवा से आपके जीवन में अच्छा खासा लाभ है। चैरिटी द्वारा आप खुद का भाग्योदय करने में सक्षम रहेंगे, जितना आप चैरिटी करेंगे परमात्मा आपको उतना ही जीवन में सुख संपन्नता से परिपोषित करने वाले रहेंगे। यहाँ पर देखिए आपके जो शनि पर्वत हैं, शनि पर वीक आकर बन रहा है, तो बुढ़ापे के लिए बहुत शुभ साइन होता है, बुढ़ापे के लिए बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। वृद्धावस्था में आपको अच्छा लाभ मान सम्मान ये साइन देने वाला रहेगा और जीवन में हर तरह की समस्याओं से पार पाने में सक्षम रहेंगे। लोहे और स्टील से जुड़ा कोई भी कार्य आपके जीवन में चलने वाला रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अगर सूर्य पर आया जाए तो सूर्य रेखा है, लेकिन सूर्य रेखा में इस प्रकार 2 रेखा अगर मिल रही है, ये अच्छा साइन होता है। सूर्य रेखा पर ये कॉम्बिनेशन आपको आपके जीवन में सूर्य पर्वत के रिगार्डिंग शुभ लाभ देने वाला रहता है। समाज में, पॉलिटिक्स और सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलता ये दिखाती है। एक बार को संघर्ष काफी रहता है, सफलता लेट मिलने के चांस बनाती है, बट सफलता मिल जाती है। एट द एंड व्यक्ति जीवन में सफलता को अर्जित कर ही लेता है जब हाथ में इस प्रकार का साइन हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ वी का साइन नहीं है, एक रेखा इस प्रकार आ रही है, तो ये भी आपको काफी शुभ लाभ देने वाली रहेगी, जीवन में कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे बुद्ध पर्वत पर 2 से 3 बुद्ध रेखा है, जब बुद्ध पर्वत पर ये रेखा होती है तो ये आपको अच्छा व्यापारी भी बना रही है। अगर व्यापार किसी भी तरह का आप करना चाहें, जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि ये कर सकते हैं, तो वो तो आप करिए करिए, बट एक व्यापारी वर्ग का हाथ है तो बिजनेस किसी भी तरह का आपके हाथ में चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको कभी परेशानी संघर्ष नहीं आने वाला रहेगा। यहाँ पर अगर आपके हाथ में मंगल पर आएंगे तो भारी मंगल है ये, और आपकी मस्तिष्क रेखा भारी मंगल तक पहुँच रही है। देखिए जब किसी भी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा बाहरी मंगल तक पहुंचने लगे तो इसके भी आपको शुभ परिणाम जीवन में देखने को मिलेंगे। क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, देखिए मस्तिष्क रेखा दिखाती है कि व्यक्ति का दिमागी स्तर कैसा है, तो व्यक्ति साहसी रहेगा, दिमाग से काफ़ी साहसी रहेगा, और जीवन में मान सकते हैं कि एक रोज की समस्या तो रह सकती है, बाकी इसके अलावा कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देने वाली चीज़, जिस प्रकार की जीवन रेखा है आपको कोई नेगेटिव प्रभाव इस चीज़ को लेकर नहीं रहेंगे। चंद्र देवता मन की शांति दिखाते हैं, तो मन में शांति सदैव बनी रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी या फिर स्ट्रेस आपको जीवन में नहीं आने वाला रहेगा। देखिए कुछ हेल्थ इश्यूज़ तो हैं आपके हाथ में, जो आपने बताया जैसे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ इमोशनल हर्ट और थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या है, बट इसके अलावा फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। पैसा आपको परमात्मा की दुआ से भरपूर मिला है और आगे भी इसकी अच्छी स्थिति जीवन में चलती रहेगी, कोई दिक्कत आपको पैसे रिगार्डिंग जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। अगर महादेव की भक्ति यहाँ पर करते हैं तो बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन गई, व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। यहाँ पर अगर आएंगे तो पिंकी फिंगर काफी छोटी पड़ गई, तो मैनेजमेंट क्वालिटी में कमी देती है, अपनी बात को सही समय पर ना कह पाने में की कमी देती है, और जीवन में काफी सारे नेगेटिव प्रभाव ये रेखा देने वाली रहती है।
इसका जो उपाय रहता है, उपाय होता है कि इस उंगली का नाखून बढ़ाकर रखा करें। बाकी हरी सब्जियों का सेवन भी फायदा देता है। और जितना आप देखिए, बुद्धदेव व्यापार के कारक होते हैं, जितना व्यापार करेंगे उतना इसका लाभ मिलने वाला रहेगा, तो बिजनेस आपके हाथ में चल जाएगा। और व्यापारी वर्ग का ही ये हाथ मुझे दिख रहा है, बस ये उंगली छोटी सी पड़ रही है तो उसमें आपको दिक्कत जरूर रह सकती है। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो फिर ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम आपके हाथ में नहीं आ रही है। बाकी पार्टनरशिप बिजनेस मत कीजिएगा, पार्टनरशिप में आपको परेशानियाँ रह सकती हैं। यहाँ पर सूर्य उंगली काफ़ी बड़ी चली गई है। देखिए, जब सूर्य उंगली बड़ी चली जाती है तो सबसे पहला ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है, व्यक्ति कहीं ना कहीं क्रिएटिव रहता है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं रहते, लगातार परिवर्तन करने की चाहत होती है, अपना भाग्य खुद लिखते हैं और कभी किसी का बना बनाया बिजनेस नहीं मिलता, जो करते अपनी मेहनत के दम पर करते हैं। और ऐसे व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम नहीं होती, अगर रिश्तों के बीच में ईगो आ जाए तो व्यक्ति ईगो को साइड कर देता है। ये चीज़ भी आपके हाथ में देखी गई है, आपकी रेखाओं द्वारा या फिर आपकी उंगलियों द्वारा। बाकी यहाँ पर देखें, इस उंगली में गैप आ रहा है, ये व्यक्ति को थोड़ी बहुत लॉजिक प्रॉब्लम दे देती है और कहीं ना कहीं खर्चे ज़्यादा करवाती है। अगर आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा पर आएंगे, देखिए हृदय रेखा बहुत डार्क है, ये जब हृदय रेखा डार्क होती है ये तो व्यक्ति को सबसे पहले बीबी की समस्या देने वाली रहती है, डायबिटीज़ की समस्या देने वाली रहती है, हार्ट प्रॉब्लम्स भी रहती है और कहीं ना कहीं मान के चलेगा कि ऑपरेशन भी करा देती है। तो ये रेखा हाथ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, नेगेटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा दे रही है। इसके उपाय करने पर ही आपको जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा, फिर कोई दिक्कत आपको परेशानी या फिर तकलीफ नहीं आएगी। उपाय जरूर कीजिएगा, उपाय आपको करने ही रहेंगे, वरना आपकी जो इस तरह हृदय रेखा है आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा देने वाली रहेगी। मान सकते हैं कि स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कत आपको जीवन में बनी रहेगी। इसके साथ साथ मित्रों और रिश्तेदारों को पैसा देने से बचिएगा, ये वहाँ पर भी व्यक्ति को दिक्कत देती है, इमोशनल हर्ट भी देती है। किसी कभी भी किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो फिर नुकसान खाने वाले रहेंगे, तो ओवर एक्सपेक्टेशन से दिक्कत और परेशानी भी आपको अपने जीवन में रहने वाली रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, मस्तिष्क का काफ़ी मजबूत है, तो मान सकते हैं लॉजिकल व्यक्ति हैं आप, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, जिस भी लॉजिक ना हो उस चीज़ को नहीं मानते। बौद्धिक स्तर आपका बहुत मजबूत है, हर चीज़ को चीज़ों को सीखने समझने की शक्ति अच्छी मिली हुई है और कहीं ना कहीं मान के चलेगा कि दिमागी स्तर मजबूत है, तो जीवन में आपको स्ट्रेस परेशानी दिक्कत नहीं आने वाली रहेगी। व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या को दिमागी स्तर पर या फिर दिमाग का यूज करके खत्म कर देता है। यदि आपकी जीवन रेखा को देखा जाएगा, जीवन रेखा मजबूत है, शुक्र घूम रही है और इसमें से एक रेखा शुक्राकर मिल रही है। देखिए, आपके हाथ में शुक्र से भाग्य रेखा निकली हुई है, देखिए यहाँ से देखिए, ये मैंने पहली बार ही देखा है, इससे पहले मैंने ऐसी कोई भाग्य रेखा देखी नहीं थी। देखिए, शुक्र के ऐसे भाग्य रेखा का आना बहुत ही शुभ लाभ देता है, कहीं ना कहीं विवाह के बाद भाग्य दे देता है। और मैं मान के चलता हूँ, जिनमें आपको जितनी भी सफलता मिली हुई है वो आपको आपकी धर्मपत्नी के भाग्य से मिली है। आपके जीवन में आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं उसमें आपकी धर्मपत्नी का भाग्य बहुत ज़्यादा है और विवाह के बाद भाग्योदय के भी रेखा संकेत देती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और लग्जरियस चीज़ों में भी बड़ा व्यक्ति का भाग्योदय तेज होता है, अच्छा होता है। शुक्र पर से निकली हुई भाग्य रेखा मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है, मैं ऑनलाइन फार्मिस्ट्री काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, बट इससे पहले मैंने आज तक देखी नहीं थी। शुक्र से निकली भाग्य रेखा के दर्शन पहली बार हुए हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाती है वैवाहिक जीवन के बाद और लाइफ पार्टनर का एक्सट्रीम सपोर्ट दिखाती है। मान सकते हैं, अगर आपकी किस्मत में उनका भाग्य नहीं होता तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कमा पाते। आपका जो पैसा आया है वो आपकी जीवन आपकी पत्नी के भाग्योदय से आया है। ये बहुत रेयर रेखा होती है और बहुत कम हाथों में, मान सकते हैं मैंने खुद पहली बार देखा है तो बहुत कम हाथों में देखने को मिलती है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी है तो पैसे की बचत जीवन में बनती रहेगी, पैसा अच्छा खासा आएगा, उसे बचत भी करने में सक्षम रहेंगे। अगर आपकी भाग्य रेखा को देखा जाए तो लगभग 41 वर्ष में कट आ रहा है, लेकिन एक दो साल की दिक्कत के बाद ये उभर जाएंगे और अच्छा लाभ और अच्छी नेम फेम रेस्पेक्ट प्रॉस्पेरिटी पावर पोजीशन में आप आने वाले रहेंगे। और देखिए, यहाँ पर मैं आपके हाथ में वाणी दोष या गुस्से की समस्या ज्यादा देख पा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं हृदय रेखा में से रेखा निकलकर जीवन रेखा में गई है, ये आपको गुस्से की समस्या फिर वाणी दोष देने वाली रहेगी। इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा, बस आप जीवन में कोशिश कीजिएगा कि आपकी भी वाणी के द्वारा नुकसान ना कर बैठे, गुस्से के कारण अपना नुकसान ना कर बैठे, अगर ये कार्य करते तो नुकसान चला जाएगा। इसके अलावा हाथ में कोई परेशानी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बाकी पॉलिटिक्स में आपके लिए स्कोप है, जो परेशानी है वो आपके हाथ में है, एक तो पैसे की, वो भी किस प्रकार, अगर आप किसको पैसा देंगे उधार में तो उसमें दिक्कत आएगी, इमोशनल हर्ट की दिक्कत है और हेल्थ इश्यूज तो आपको चल ही रहे हैं, इसके उपाय आपको करना सबसे जरूरी रहेगा। देखिए, धर्मपत्नी की सेहत में भी दिक्कत परेशानी है, तो वो चीज़ तो मैं उनका हाथ देख दबाऊंगा, आपका हाथ देख रहा हूँ, आपके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। तो आपके हाथ में भी हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, इसके उपाय करने पर या फिर डॉक्टरी सलाह लेने पर भी लाभ मिलता है। अंगूठे पर आएंगे, अंगूठा सही है, यहाँ पर काफ़ी दाढ़ी लाइन है, क्योंकि लॉजिक के साथ भी बात करवाने में सक्षम होता है, तर्क वितर्क शक्ति मजबूत होती है। यहाँ पर देखेंगे, ये आपका मणिबंध जो है, मणिबंध ही अच्छी अवस्था में, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का मणिबंध जब हाथ में होता है तो ये आपको, अगर सुबह सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं तो आपको लाभ काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला रहेगा। मेडिटेशन करके भगवान की धर्म भक्ति करके बहुत लाभ मिलता है आपको, ये चीज़ आपके हाथ में होती देख पा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपके पामकंसिस पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे मिल होंगे।
आपके तो मेन ट्रायंगल है, फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, हेल्थ में दिक्कत है बस, और वैवाहिक जीवन बहुत मजबूत है। सूर्यपद के उपाय करने पर पॉलिटिक्स में मजबूती आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस वाड़ी वाड़ी दोष है, गुस्से की समस्या ज़्यादा है बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैमिली सपोर्ट पूरा है और फाइनेंशियल कोई तंगी नहीं है, हेल्थी लाइफ में दिक्कत है बस। इसके भी उपाय करने पर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मित्रों रिश्तेदारों को बड़ा पैसा देने से बचिएगा, पैसा उधार पर देने से बचिएगा, कभी किसी ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, ओवर एक्सपेक्टेशन पे आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। और कुछ आपके हाथ में एडवाइस देने लायक नहीं है, आपके इतना अच्छा जीवन चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, उपाय करने के बाद जो चीज़ें नेगेटिव उन्हें सुधार आ जाएगा। इसके बाद भी आपकी कोई डाउट अगर कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछना। चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।